नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। सरकार द्वारा आपको अगर पेंशन मिल रही है, वही पेंशन एकमात्र आपका कई बार सोर्स होता है, उससे ही आपकी जीविका चल रही होती है। लेकिन इस पेंशन को पाने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको पेंशन मिलती है सरकार से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर आप सरकारी कर्मचारी है और पेंशन आपको मिलती है रिटायरमेंट के बाद, कुछ नियमों का पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर इन नियमों का अगर आप पालन नहीं करते तो हो सकता है आपकी पेंशन रोक दी जाए, जिसके चलते आपकी जो जीविका है वो चलना मुश्किल हो सकता है। हाईकोर्ट द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी करी गई है, जो लोगों को पेंशन मिलती है उन लोगों के लिए ये लेटेस्ट गाइडलाइन दी गई है। इस लेटेस्ट गाइडलाइन के तहत अगर कोई व्यक्ति जिन्हें पेंशन मिल रही है और वो इन नियमों का पालन नहीं करती, तो अब उनकी पेंशन जो है वो रोक दी जाएगी। अब आपको जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। इसके साथ साथ पेंशन रिलेटेड इस हाईकोर्ट की गाइडलाइंस में कई नियम दिए गए हैं, जिसको जानना भी आपके लिए जरूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट और जीवन प्रमाण पत्र के बारे में नई क्या गाइडलाइंस जारी करी गई है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। इसका वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिटेल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं, अगर आपको पेंशन मिलती है सरकार से तो अब आपको जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी हो जाएगा। दोस्तों, सरकार द्वारा नया नियम लाया गया है, जिससे अब आपको एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। यानी साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, जहां पर आपकी पेंशन जो है वो आपको मिल रही है। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो उस केस में, 60 साल से ज्यादा है पर 80 साल से कम है, तो साल में एक बार आपको जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। लेकिन कहीं अगर आपकी एज 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में आपको दो बार जीवन प्रमाण पत्र देना है साल में। अब एक बार आपको कब देना है और दो बार कौन सी डेट को देना है, इसके बारे में भी जान लीजिए। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की एज 60 साल से 80 साल है, उन्हें साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर से पहले पहले देना होगा, और जिन लोगों की एज 80 साल से ज्यादा है उन्हें 31 मई से पहले एक बार और 30 नवंबर से पहले दूसरी बार जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। यह जीवन प्रमाण पत्र आप बैंक में जाकर हैंड टू हैंड आप फिजिकली भी दे सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस, बैंक, जहां पर भी आपको पेंशन मिल रही है वहां पर यह जीवन प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। एक तो यह तरीका हो गया, आप फिजिकल दे सकते हैं। दूसरा, सरकार द्वारा एक नया तरीका और लाया गया है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी आप घर बैठे बैठे भी जीवन प्रमाण पत्र यहां पर दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा और आधार फेस रीडिंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके तहत आपके पास सिर्फ आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, उसके तहत आप अपना रजिस्ट्रेशन इस ऐप पर वो कर पाएंगे। ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास पीपीओ नंबर, जो भी पेंशन पे ऑर्डर नंबर है, वो आपके पास होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, कौन सी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से आपको पेंशन मिल रही है, आपका नाम, कौन सी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपको पेंशन आ रही है, ये सारी डिटेल देने के बाद आपकी फेस रीडिंग उस ऐप में हो जाएगी और आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स यहां पर लगने वाला है। आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं और जमा कर सकते हैं। यानी घर बैठे बैठे बुजुर्गों के लिए यह सुविधा अब सरकार द्वारा दी गई है। इसके साथ साथ जिन लोगों की उम्र 80 साल
साल से ज्यादा है, अब वो 1 अक्टूबर से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र देना स्टार्ट कर सकते हैं। सरकार द्वारा ये लेटेस्ट गाइडलाइन है। अब जो नई गाइडलाइन द्वारा जारी करी गई है जीवन प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट द्वारा, आइए इसे भी जानना आपके लिए जरूरी है। जीवन प्रमाण पत्र रिलेटेड कई नियम है जिसको आपको जरूर जानना चाहिए। इसी के साथ अगर आपकी पेंशन रोक दी जाती है, अगर आपकी पेंशन जो है वो आपसे रिकवर अगर कर दी जाती है, उसके रिगार्डिंग भी गाइडलाइन जारी करी गई है। और जीवन प्रमाण पत्र अगर आपने जमा नहीं किया तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, वो भी इस गाइडलाइंस के अंदर दिए गए हैं। आइए जानते हैं सरकार द्वारा, हाईकोर्ट द्वारा क्या नई गाइडलाइन जारी करी गई है जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। आइए अब बात करते हैं हाईकोर्ट द्वारा क्या गाइडलाइंस जारी करी गई है लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र रिलेटेड। दोस्तों ये केस जो है वो एच नागाभूषण राव फरवरी 2023 का कर्नाटका हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया है और इस केस के तहत नई गाइडलाइंस जारी करी गई है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। सबसे पहले इस केस की कुछ डिटेल जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद गाइडलाइंस के बारे में भी बात करेंगे। इस केस में हुआ ऐसा है, जो नागाभूषण राव है जिनकी एज 102 साल है, यानी 100 साल से भी ज्यादा पार हो चुकी है। अब इन्हें यहां पर सरकार द्वारा स्वतंत्र सम्मान सैनिक गर्व पेंशन द्वारा दी जा रही थी 1974 से। अब इन्होंने 2017 में यानी 1 नवंबर 2017 से इनकी पेंशन आना बंद कर दी गई। जब बैंक में यह पता करा गया कि इनकी पेंशन क्यों नहीं आई, तब बैंक द्वारा यह बताया गया कि इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट 2017-18 का जमा नहीं कराया, जिसके बाद इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिसंबर 2018 में जमा कराया। अब इनकी जो पेंशन है वो तो यहां पर फ्रेश ऑर्डर से वापस पास कर दिया गया, लेकिन यहां पर जो उनकी 12 महीने की पेंशन थी, एरियर्स था, वो यहां पर रोक दिया गया। अराउंड 3,71,000 की जो पेंशन थी 1 नवंबर 2017 से लेकर दिसंबर 2018 तक की पेंशन थी, वो रोक दी गई, क्योंकि इन्होंने यहां पर सबमिट नहीं किया था लाइफ सर्टिफिकेट। सरकार द्वारा, बैंक द्वारा इनकी पेंशन जो वो रोक दी गई, इनको पेंशन नहीं दी गई। अब ये पहुंचे कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर और गुहार लगाई है जो भी इनकी पेंशन रोक दी गई है वो वापस इनको मिल जाए। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट द्वारा अब एक नई गाइडलाइन जारी करी गई है लाइफ सर्टिफिकेट के लिए। हालांकि इस केस के अंदर पेंशन दी गई क्योंकि यहां पे इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और यहां पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इतने बुजुर्ग से यहां पर लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो यहां पर बैंक में आकर वो दे, जिसकी वजह से यहां पर कुछ स्पेशल केस देखा गया जिसके तहत यहां पर इनकी पेंशन तो अलाउ कर दी गई, लेकिन एक नई गाइडलाइन भी साथ में जारी करी गई कर्नाटका हाईकोर्ट द्वारा। आइए जानते हैं ये क्या नई गाइडलाइन है और इस नई गाइडलाइन के तहत अगर अब आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तो उस केस में आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, और अगर 1 साल से ऊपर का समय होगा तो उस केस में आपको एरियर पेंशन भी नहीं दी जाएगी। आइए जानते हैं हाईकोर्ट द्वारा क्या नई गाइडलाइंस लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र को लेकर जारी करी गई है। अब बात करते हैं हाईकोर्ट द्वारा क्या नई गाइडलाइन जारी करी गई है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर सभी पेंशनर्स के लिए, और बैंक की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस गाइडलाइंस के अंदर बताई गई है। हाईकोर्ट का यह कहना है कि सभी बैंकों को अब साल में एक बार नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। यहां पर जो भी लाइफ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है पेंशन द्वारा, वो बैंक में आकर हैंड टू हैंड उन्हें देना होगा, हैंड टू हैंड फेस टू फेस यहां पर लाइफ सर्टिफिकेट उन्हें जमा करना है। अगर किसी पेंशनर की एज बहुत ज्यादा है तो उस केस में बैंक द्वारा बैंक का कोई ऑफिशियल उनके घर पर जाकर, रेसिडेंस में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट ले सकता है और जान सकता है कि क्यों उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया। इसके अलावा यहां पर लाइफ सर्टिफिकेट अगर जिन लोगों की एज 80 साल से ज्यादा है तो उन्हें साल में 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा, एक तो मई महीने में और एक नवंबर महीने में। मई में 31 मई से पहले पहले और नवंबर में 30 नवंबर से पहले पहले। जिन लोगों की 80 साल से कम अगर एज है, ऐसे पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट साल में 1 बार ही जमा करना है, वो भी नवंबर के महीने में। अब यह लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपने 30 नवंबर से पहले जमा नहीं किया तो उसके
केस में 30 नवंबर के बाद आपकी पेंशन जो है वो रोक दी जाएगी, यानी स्टॉप कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक द्वारा आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, लेकिन यहां पर बैंक द्वारा वेट किया जाएगा कि अगले 31 अक्टूबर तक अगर आप वापस अगर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं तो उस केस में वापस आपकी पेंशन स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर कुछ महीनों के बाद 30 नवंबर के बाद कुछ महीनों के बाद अगर आप वापस आते हैं, रिज्यूम करते हैं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करते हैं तो उस केस में आपकी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी और यहां पर जो भी एरियर्स होंगे इतने महीनों के वो आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 30 नवंबर के बाद भी बैंक में सबमिट नहीं करता लाइफ सर्टिफिकेट और 31 अक्टूबर के बाद भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता तो उस केस में उस व्यक्ति की जो पेंशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर के बाद आपका जो पे ऑफ एरियर्स है वो आपको नहीं दिया जाएगा, इसके अलावा आपकी पेंशन जो है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। अब अगर कोई व्यक्ति 31 अक्टूबर के बाद अगर बैंक को यहां पर सबमिट करता है लाइफ सर्टिफिकेट और बताता है कि वो यहां पर पेंशन भोगी है, उनकी पेंशन रुकी हुई है, तो उस केस में यहां पर सरकार द्वारा एक नया पेंशन ऑर्डर जारी किया जाएगा। यहां पर आपकी जो कैंसल पेंशन है वो यहां पर CPAO को ट्रांसफर कर दी जाएगी बैंक द्वारा। लेकिन जैसे ही आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं 31 अक्टूबर के बाद, क्योंकि आपकी पेंशन ऑलरेडी कैंसिल हो गई है, तो एक नया फ्रेश PPO ऑर्डर जो है यानी पेंशन ऑर्डर जारी किया जाएगा और आपकी पेंशन फिर से स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अब बात यह आती है कि जो भी आपकी पेंशन एरियर है वो आपको नहीं दी जाएगी। बैंक द्वारा यहां पर एक साल के अंदर अगर आप आते हैं सबमिट करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट तो आपको पेंशन बैंक द्वारा यहां पर दे दी जाएगी, रिज्यूम कर दी जाएगी, आपके जो एरियर्स है वो यहां पर दे दिया जाएगा। यहां पर प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मिनिस्ट्री की जो गवर्नमेंट है जिसके द्वारा यहां पर आपको पेंशन दी जा रही है उसके प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर एक साल के भीतर भीतर अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं, लेकिन अगर एक साल से ज्यादा का समय हो जाता है तो उस केस में यहां पर प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है मिनिस्ट्री द्वारा। अगर ये प्रायर अप्रूवल नहीं आता तो उस केस में आपको एरियर जो भी होंगे वो यहां पर नहीं दिया जाएगा। हालांकि कर्नाटका हाईकोर्ट में एच भूषण राव के केस में यही हुआ था, एक साल से ऊपर का समय हो चुका था, दिसंबर महीने में उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था, जिसके तहत कोर्ट द्वारा यहां पर बताया गया कि यहां पर उनकी जो पेंशन है वो एरियर्स है 371,000 जो रोक दी गई है। हालांकि कोर्ट ने वो पेंशन यहां पर उनको वापस दे दी है और साथ में जो ब्याज है वो भी यहां पर जारी किया गया है। अब बैंक की क्या जिम्मेदारी होती है वो भी इस गाइडलाइन के थ्रू हाईकोर्ट द्वारा यहां पर बताया गया है कि बैंक जब कभी भी यहां पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा अगर नहीं होता तो बैंक उस पेंशन भोगी की जो पेंशन है वो रोक देता है और वो यहां पर इंतजार करता है कि कब वो पेंशन भोगी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करे और वो उस पेंशन को स्टार्ट करे। लेकिन यहां पर ये इतना काफी नहीं है, यहां पर बैंक की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई पेंशनर अगर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता बैंक में तो उस केस में बैंक का ऑफिशियल उसके रेसिडेंस पर जाकर विजिट करे और ये जाने के क्यों उसने यहां पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया। इससे होगा यह कि यहां पर उनकी अपडेट रहेगी कि अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है तो वो उसे प्रॉपर उसे अपडेट करे और अगर गलती से अगर गलत पेंशन यहां पर अगर कोई ले रहा है तो वो भी उसे रिकवर कर सके। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि यहां पर उन्हें बैठकर नहीं रहे, को यह पता लगाना जरूरी है कि यहां पर जो पेंशनर है उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा क्यों नहीं करवाया। तो बैंक की यह प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कोई पेंशनर आउट ऑफ इंडिया रहता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस दी गई है, यहां पर अगर कोई पेंशनर आउट ऑफ इंडिया रहता है तो साल में एक बार उसे इंडिया आना होगा और अपना लाइफ सर्टिफिकेट यहां पर जमा करना होगा। अगर वो किसी कारणवश इंडिया नहीं आ सकता तो उस केस में वो लाइफ सर्टिफिकेट स्टैम्प्ड और नोटराइज के साथ असेंबली जो भी इंडियन असेंबली है उसके थ्रू यहां पर फॉरवर्ड किया जाएगा। यहां पर जो भी एरियर ऑफ पेंशन है वो बिना प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री के अगर एक साल से ऊपर है तो यहां पर रिज्यूम नहीं की जाएगी, ना ही बैंक द्वारा दी जाएगी। अगर एक साल से कम अगर है तो उस केस में जो एरियर पेंशन है वो आपको दे दी जाएगी, लेकिन एक साल से अगर ऊपर का समय चला जाता है तो उस केस में प्रायर अप्रूवल मिनिस्ट्री की जरूरी है। इस गाइडलाइन के अंदर कुछ कारण दिए गए हैं जिसके तहत आपकी पेंशन जो है वो रोक दी जा सकती है।
यहां पर अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तो आपकी पेंशन जो वो रोक दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने लगातार पिछले 2 महीनों में अपनी पेंशन विड्रॉ नहीं करी तो भी आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। अगर बैंक को लगा कि आपकी मैरिज हुई है या फिर आपकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है जो पॉलिसी के अगेंस्ट है तो उस केस में भी आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। और अगर कोई मिनिस्ट्री द्वारा, अगर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो भी किसी मैटर पे तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। अगर बैंक को लगता है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है या फिर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आपकी पेंशन रोक सकता है। और अगर आपका पीपीओ ऑर्डर, जो डिसबर्समेंट ऑर्डर है, वो भी अगर खो जाता है तो उस केस में बैंक द्वारा आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो इस गाइडलाइंस के अंदर आपकी पेंशन रोकने के कारण दिए गए हैं। लाइफ सर्टिफिकेट मेन है जिसके तहत आपकी पेंशन जो है, अगर आपने 30 नवंबर से पहले पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो बैंक द्वारा आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। ये कुछ गाइडलाइंस है जो जारी करी गई है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। जो भी पेंशनर है उन्हें ये गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी है। हाई कोर्ट द्वारा ये नई गाइडलाइन जो वो जारी कर दी गई है जिसका इंप्लीमेंटेशन भी होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो अब आपकी पेंशन जो वो रोक दी जाएगी और कैंसिल भी कर दी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करें और लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा करें। 1 अक्टूबर से विंडो ओपन हो चुकी है। आप अगर 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में आप अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो बैंक में जाकर फिजिकल भी कर सकते हैं और आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।